मैं कुछ भी कर दिया करूंगी। मेरे हाथों में आ गया ना, अब तुझे नींद ना आए ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मेरे हाथों में आ गया, तुझे नींद ना आए। आजा मेरे प्यारे बच्चे, आ जा तू मेरे हृदय से निकल, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भली करेंगे, हमने छोड़ ही करनी है बेटा, ठीक करना तेरे को, मेरे को ठीक करना है, सब ठीक हो जाएगा। हम घबरा नहीं। देखो एक बात चाहिए तेरे को, यही ठीक करके एक बात देख नारायण, मेरी एक बात सुन पहले, तो सुन ही नहीं रहा। मैं सबको मंगा लूंगा, इसको ठीक करके ही भेज रहे, इसको यही रखेंगे ठीक करके भेज रहे। मत जाइए, नींद आएगी तेरे को बढ़िया वाली। इसके पापा कहाँ गए? इसके मेरे पास रह, ठीक हो गए बिल्कुल, तब जाइए। ये मनु भैया का धाम है, तेरा ही धाम है बेटे, तेरे लिए ही तो बनाया, किसके लिए बना? ये सब जो आग थोड़े दिखा रहे हमने लोगों को, ठगना थोड़ी ना। नहीं अब नहीं होने देंगे तुझे पागल। बस बेटा, बस घबरा मत, बड़ा पढ़ाई। कितने लोगों के कमेंट आते हैं कि वहाँ ठगे गए, मारे गए, धूर्त हो गए, परेशान हो गए, इन बच्चों को राहत नहीं मिल रही है, ये हृदय से लगाने के लिए आला साइड 2100 रुपए भी लगता है, इनको हृदय से नहीं लगाता। नहीं बेटे पागल नहीं होगा, घबरा मत तू, आप तो घबरा नहीं, ठीक करके भेजेंगे। बस तू करो, मेरे पास साइड नंबर आ गए, थोड़ी तो हिम्मत रखेगा, थोड़ी हिम्मत हो, यही सो। पर एक बात देख, अब मैं एक बात सुन, पहले तो बिल्कुल बेहोश रहता था, आंखें भी नहीं खुलती थी, ये वो, तो अभी अगर इतनी समझ में आ गया तो इसका मतलब तेरा माइंड काम तो करने लग गया। काम करने लग गया और क्या, माइंड तो बांध देता है वो, धागा बांधता है, माइंड बन जाता है आपका। छोटी बात थोड़ा ना, कितना वो अभी आधा घंटा हुआ है अभी, अपने प्रेतों को ये आपकी परदादी परनानी, परदादी परनानी का मतलब क्या है भाई, इतने पुराने 33 साल से ऊपर कोई आत्मा रहती नहीं है, साले सब 250 साल, 500 साल, 700 साल पागल बना रहे हैं सब। अरे उससे 150 साल की एक बात पूछ लो, 150 साल पहले क्या था, क्या क्या हुआ था, कौन कौन वो था, तेरा साथी कौन कौन था, एक का नाम नहीं बता पाएगा, अपने माँ बाप तक का नाम नहीं बता पाती है आत्मा, 33 साल के अंदर ही सब कुछ भूल जाती है शरीर से निकलते ही, आगे समझ में, तांत्रिक पकड़ के सब कुछ भुला देता है एक सेकंड में, सब कुछ मंत्र द्वारा। अरे क्या बात है, कैसे बहकाया जाता है लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या सब्ज बाग दिखाया जाता है, क्या लोग वहाँ टीन देखने जाते हैं या मंदिर भवन देखने जाते हैं, लोगों की बुद्धियां नष्ट हो गई हैं कि केवल पैसा देने जाते हैं, लोगों पे इतना वशीकरण चालू हो गया कि लोगों को ये समझ में नहीं आया, एक आदमी इतना बड़ा तांत्रिक है, तंत्र क्रिया करता है, ठीक है, अरे आरती में ही लिख रहा है, आरती में इतनी गंदी लाइन लिख रहा है कि आप लोग सुन नहीं पाएंगे, आरती में ये ठीक है, माता कामरू के साथ संभोग किया और क्या कहते हैं वो किया, आप लोगों को वो दिया, वरदान दिया, अरे ये कोई ऐसी आरतियां होती हैं, बताओ ऐसी आरतियां होती हैं क्या, बताओ माताएं बहने बैठी हैं यहाँ, ऐसी आरतियां होती हैं क्या, बताओ, तो मैं क्या गलत कहता हूँ कि उसने रखेल रखी हुई थी, वो उस रखेल को पुजवा गया सबसे, माता कामाख्या बना के रखेल पुजवा रहा है, वीणा लेके बैठी है माता कामाख्या, वीणा लेके बैठी है माता कामाख्या, है कौन ये तो जान लो, माता सती का योनि स्वरूप है और वहीं से समग्र संसार की उत्पत्ति हुई है, वहां से सारा तंत्र चालू होता है, वहीं पे बैठ के नाभि से नीचे का सारा हिस्सा आपका तंत्र एरिया है, इससे ऊपर सारा सात्विक हो जाता है, मंत्र चालू होता है, वो नीचे नीचे के प्राणी है ये, तो मर के भी ऐसे ऐसे जितने भी नारकीय प्राणी है ये मर के भी नीचे जाते हैं, जमीन के नीचे ही धसते रहते हैं, ऊपर की तरफ कभी नहीं आते, ऊपर के लोकों में कभी नहीं जाते, कितना बड़ा तांत्रिक है वो आदमी, जाते ही अपने प्रेत बांध देता है आदमी को बंधन के नाम पर, फिर वही प्रेत बोले जाते हैं कि मैं तेरा दादा हूं, मैं पड़दादा हूं, पड़नाना हूं, पड़दादा पड़नाना का मतलब क्या है तुम्हारे से, और मरे जिसको 200 साल हो गए उसकी आत्मा को भी यही रख रहा है, आगे ना थोड़ा सा समझ लो, सीख लो भाई, सीख लो, मनो भैया सिखा रहे हैं, कोई नहीं मिलेगा इतना गूढ़ ज्ञान आपको बता दिया है, सब कुछ जो कभी हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा वो भी सिखा दिया, आत्मा कैसे कैसे शरीर में निवास करती है, कैसे घूमती है शरीर में, कैसे स्टैंड करती है, कैसे बाहर लेके आया जाए उसको, लोग सालों से दबे रहते हैं यहां से वहां भागते रहते हैं, धैर्य होता नहीं है, धैर्यहीन होकर जो है ना ये मरणांत भाई, ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे मरने लग रहे, मनु भैया का हृदय पट रहा है तभी तो यहां बैठे हैं,
क्या जरूरत है वरना गला खराब करने की। आगे ना अरे भाई इतना फेमस हो चुका हूँ, एक घर पे बैठ के भी जो है ना लोगों को बाहर बाहर विदेशियों को देखूंगा तो भी अपने लायक कमा लूंगा, फिर आवश्यकता क्या होगी। उनको नहीं देखता हूँ, जहां से मोटा पैसा आना है वहां नहीं जाता हूँ, वहां नहीं देखता हूँ, पूरा दिन तुम्हारे बीच में बैठ के काम करता हूँ। ठीक है, आप उनको सुविधा दो बाहर वालों को, और देखो पैसा भी ज्यादा आएगा, खोपड़ी भी कम लगेगी, आवाज तो बोलना ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा बोलना है मीठे मीठे स्वर में, और पूरा दिन उन्हीं के फोन उठाए जाओ। और वो चाह रहे हैं बेचारे, उनको चाह के कोई नहीं मिल रहा, और मैं तुम्हारे बीच में बैठा हूं, तुम कदर नहीं समझ रहे। ऐसी ऐसी जगह भाग रहे हो, लाखों लाखों रुपया दे के आ रहे हो गरीबी में, और वो भी गरीबी में आटा गीला कर रहे हो अगले का। इस बच्चे का दर्द 2100 रुपए भी ले लिए, मिला भी नहीं, मिला तेरे से वो सांड, कल्लू सांड मिलता नहीं। ये बच्चे हृदय के लगाने लायक है, ये कल को ठीक हो जाएगा, ये आपकी महत्ता समझेगा। जब ये ठीक ही नहीं होगा, महत्ता क्या समझेगा संसार की, इसको तो लूट लिया गया, ठग लिया गया है, मार दिया गया है इसको, ये और 4 महीने के अंदर मर जाता कि नहीं मर जाता। फिर इस बच्चे को अपना होश आने लग गया है, धागा काटते ही इतना काम हो गया। अब मैं धागे बांधूंगा और धागे की कीमत बताता हूँ, शाम तक इस बच्चे की हालत दिखाऊंगा मैं सबको, शाम तक, केवल शाम तक, शाम तक दोनों प्रेत गायब होंगे, और इस बच्चे का केवल क्या होगा, इस बच्चे को अपना होश आने लगेगा और ये बात करेगा। राज रात को पहली बार इसको बाबा के दूध सुखद नींद देंगे और ये धाम में ही सोएगा। बोलो सच्चे सबसे अच्छे शनिदेव की जय, साबिर प्यारे की जय, और रामपाल पर आज भी डॉक्टर पदोरिया की आत्मा को बुलाया जाएगा और हंटर ले जाएंगे। देखा जय शनिदेव।